अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम एक लिपस्टिक से हम होल शेड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ये ब्लैक एंड ब्राउन पेंसिल है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक वाइट पेंसिल है। जो वाइट पेंसिल है ये देख सकते हैं, ये मेरे पास सूफिया एसली की है, और ये लिप और आइस पे दोनों पे यूज़ हो सकती है। ये मेरे पास रोमांटिक मैक की लिपस्टिक है जिसका शेड रेड है, और ये रेड सा शेड है। अब मैं आपको इससे बताऊंगी कि मैं इससे हम होल शेड कैसे बना सकते हैं। अगर आपको अपनी लिपस्टिक का कलर पसंद नहीं है तो हम इसी लिपस्टिक से और शर्ट कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले एक और लिपस्टिक मैंने ओपन कर ली है, इसके बाद मैं हाथों पर लाइनें लगाऊंगी इनकी। एक तो ये मैंने 5-6 लाइंस लगा ली हैं। उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि हम पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इससे लाइट कलर कैसे बना सकते हैं लिपस्टिक से, ठीक है। पहले मैं आपको लाइट कलर बना के दिखाऊंगी, उसके बाद डार्क जो ब्राउन की तरफ हम चलेंगे। ये वाइट पेंसिल ले लेनी है। तो चलें अब हम अपने शर्ट की तरफ आते हैं। ये वाइट पेंसिल से मैं अभी इस पर वाइट पेंसिल इस कलर पर लगाऊंगी, जितना कलर मुझे हाईलाइट करना है उतनी मैं लगाऊंगी वाइट पेंसिल इस पर। ये अच्छे से मैं इस पर वाइट पेंसिल लगा ली है मैंने, देख सकते हैं आप थोड़ा पिंक। अब मैं इस पर ऐसे टैप करूँगी तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है ये पिंक में आ चुका है। इसी तरह हम दूसरा शेड अपना बनाएंगे, इस पर भी हमें ऐसे ही वाइट पेंसिल लगाएंगे, जितना हमें लाइट चाहिए हमें उतनी ही हम इस पर वाइट पेंसिल लगाएंगे। ये देखें, ये उससे भी ज़्यादा लाइट हो चुका है, लाइट पिंक हो रहा है। देखें थोड़ा ज़बरदस्त से हमारे दो शेड बन गए। इसके बाद जो इस पर भी हमने इससे भी ज़्यादा वाइट पेंसिल लगानी है, लगाऊंगे अगर हमें इससे ज़्यादा लाइट कलर चाहिए तो। ये देखें अब मैं इसको टैप करूँगी तो ये इससे भी ज़्यादा लाइट पिंक बन गया है कलर, कितना प्यारा शेड बन चुका है ये हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शेड बन चुका है। हमारे पास होता सब कुछ है, बस हमें टेक्निक का नहीं पता होता कि हमें इस्तेमाल कैसे करना होता है कैसे नहीं। लेकिन हमें अगर ये टेक्निक पता चल जाए ना तो हमें हर चीज़ का पता होगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। ये हमारे 3 शेड हो गए, पिंकी शेड हो चुके हैं। अब मैं आपको ले चलूँगी ब्राउन शेड की तरफ। ये हमने ब्लैक पेंसिल लेनी है, सॉरी ब्राउन है, ब्लैक लेनी है मुझे। ये अपने ब्लैक पेंसिल ली, अब इस ब्लैक पेंसिल को जो है ये भी हम इस कलर पर थोड़ा लगानी है। लगाने के बाद जो है ये हमें हाथों से टैप करनी है। टैप करने के बाद ये देखें, ये उससे डार्क शेड हो चुका है, डार्क शेड बन गया हमारा। अब हमें इससे भी डार्क शेड बनाना, इससे ज़्यादा डार्क शेड चाहिए तो इस पर हमें इससे भी ज़्यादा ब्लैक पेंसिल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जब इसको रैप करेंगे ये उससे भी ज़्यादा डार्क शेड बन जाएगा। ये देखें, ये बन चुकी, ये हमारा जो शर्ट है वो बन चुका है जी। तो देखें ये हमारे कितने प्यारे शर्ट बन चुके हैं, ये 6 शर्ट बन चुके हैं वन लिपस्टिक से। कितने प्यारे प्यारे शर्ट बने हैं ये, जिसमें 3 पिंक और 2 ब्राउन है। इसी तरीके से अगर आपको और लाइट पिंक चाहिए हो तो आप ज़्यादा वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, अगर डार्क शर्ट्स चाहिए हो तो आप ब्लैक। ये देखिए ये ओरिजिनल कलर है, इससे हमने ये पिंक बनाया, फिर इससे लाइट, और फिर सबसे ज़्यादा लाइट पिंक बनाया। इसके अलावा हमने 2 कलर जो है वो हमने ब्राउन शर्ट में बनाया है, एक ये वाला और एक इससे भी ज़्यादा डार्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।